चलो भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का लाइन, सिगमेंट, रे एंड लाइन, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, लाइन, सिगमेंट, रे एंड लाइन। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमें यहाँ से पढ़ना है। प्लेन क्या होता है? इन मैथमेटिक्स ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। इसका बाद इस बात का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में जो स्मूथ फ्लैट सरफेस, जैसे ये है स्मूथ फ्लैट सरफेस है, विच एक्सटेंड्स एंडलेसली, यानी कि वो इतना एक्सटेंड हो सके कि वो बिल्कुल अंत तक जा सके, मतलब उसका अंत ना हो, एंडलेसली यानी कि उसका अंत ना हो, इन ऑल डायरेक्शन इन प्लेन, किसी भी डायरेक्शन ऑफ प्लेन में। ये प्लेन जो है एक ऐसा स्मूथ सरफेस जो कि एक्सटेंड एंडलेसली होता हो इन ऑल द डायरेक्शन इन ए प्लेन। ठीक, ये मान लो एक, जैसे ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है स्मूथ, इसको बोलते हैं जैसे प्लेन। ठीक है, ए प्लेन हैज़ नो बाउंड्री, एक प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ वाल, द सर्फेस ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल, द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड, द सर्फेस ऑफ ए सीट ऑफ पेपर, द सर्फेस ऑफ अ काम वाटर इन अ पूल आर एग्जाम्पल ऑफ पोर्सन इन अ प्लेन, पोर्सन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, वी ड्रा द सच ए ट्रेंगल रेक्टेंगल सर्कल इन ए प्लेन, वी कॉल देम प्लेन फिगर्स। ठीक है, मान लो कि अगर हम जैसे ये बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन फिगर है, ठीक है, जो कहाँ बना है, प्लेन पे, प्लेन इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है ना कुछ, इसे एंडलेसली कितने बढ़ाया जा सकता है प्लेन को। मान लो ये तो अभी इतना छोटा है, बाकी इससे बड़े बड़े प्लेन लिए जा सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया प्लेन क्या होता है? अब देखो पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन, मान लो कोई भी एक मार्क ऐसे लगा दिए, ये पोजिशन हो, ठीक है, ये मार्क कर दिया हम मार्क एक पॉइंट को, इसको बोलेंगे मार्क ऑफ पोजिशन। ठीक, ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रीथ और थिकनेस, इसका कोई बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है, बस इसे एक पॉइंट लगा दो, ऐसे वही पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक, लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम थिंग्स एज द लाइन सेगमेंट ऑफ बी। इसके कहने का मतलब ये है कि लेट ए बी टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, दिस इज डोनेटेड बाई ए बी। मान लीजिए ऐसे लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पाथ है, यानी कि ये जो लाइन है टू पॉइंट के बीच में का प्लेन पे, इसको बोलेंगे क्या, लाइन सेगमेंट, ये भी, और इसको डिनोट करेंगे ऐसे, जब ऐसे दिखे तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी, यानी कि ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होता है, क्या होता है, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट। देखते हैं आपके हाउ टू मेजर ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई आपका स्केल है इस तरीके से, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये किस स्केल होता है, आराम से 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक यहाँ दूरी जो ए और बी का पॉइंट है, इस पे ये 5.5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का, मतलब 5.4 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसे स्केल से नापा जाता है। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है खींचना, यानी कि बनाना, किसी लाइन को कंस्ट्रक्ट करो यानी कि खींच के बनाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी एक पॉइंट लिया गया है जिसको बोलोगे 6.8 सेंटीमीटर का है, तो इसको एक 0 सेंटीमीटर, 0 से काउंट किया था इसको, और इधर बढ़ते क्रम में 6.8 तक चले हो, तो ये क्या हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, कितने का, 6.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रे है। ठीक, अब रे क्या होता है, रे ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। कोई एक भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए से स्टार्ट हुआ, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ,
बढ़ना, एंडलेसली मतलब अनंत तक, इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में कोई लाइन सेगमेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। मान लो ये बहुत दूर तक बढ़ता हो, ठीक है, कोई इसका एक डायरेक्शन नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे जैसे रुक नहीं रहा है, सॉरी, इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में अंत तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंडलेसली क्या हो रहा है, एंडलेसली बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है और एक यहाँ इधर कहीं पॉइंट मान लीजिए बी, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रे को ऐसे कहा जा सकता है कि देखो ऐसे एरो लगा है, इस बात का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट ए बी किस डायरेक्शन में भाई, तो ए से बी की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बी और सी है, इस बात का मतलब ये होता है सी से बी की तरफ, यहाँ सी होगा और इधर कहीं बी होगा, यहाँ सी होगा, यानी इस डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रे, ठीक है। देखो द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली एज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। अब ये जो एंड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से शुरू होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। नोट डैट एरे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, जैसे हमने बताया कि इंडलेसली बढ़ता जाता है, तो नो डेफिनेट लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ। और यहाँ क्या था, प्लेन में कि उसकी बाउंड्री कोई डेफिनेट नहीं होती है ना। ए बी बी ए आर टू डिफरेंट रेज, ए बी और बी ए टू डिफरेंट रेज कैसे हैं बता सकते हो। देखो मान लो यहाँ पे ए बी है जो ऐसे है और एक बी है वो भी ऐसे है, ये दोनों अनइक्वल है क्योंकि ये बोला ए से बी की तरफ, यहाँ पे ए होगा और इधर कहीं बी होगा, ठीक है। इस तरह से ये बोला है बी से ए की तरफ, इधर ए होगा इधर बी होगा, ये ए से बी की तरफ जा रहा है और ये बी से ए की तरफ, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट अनइक्वल है, यानी ये रे ऑफ ए बी इज अनइक्वल टू रे ऑफ बी ए, ठीक।